प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग खुदी को कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैं रामचंद्र यादव और आप लोग देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरी। रउआ सबके स्वागत करता नहीं और हम मिलवावे लेके चलते ही जानी मानी सिने तारिका रेशमा शेख जी से। ये जो हम अभी शायरी कहानी है ये एकदम सटीक बैठेला रेशमा शेख जी के ऊपर, काहे से कि मध्य प्रदेश से भोजपुरी के प्रेम दुलार से भोजपुरिया बन गई बाड़िन और एगो फिल्म इनकर आयल बाटे प्लेटफॉर्म नंबर 2 जौना फिल्म में ये बिहार में, मुंबई में, गुजरात में एक अपन अलग जलवा बिखरले बाड़िन। जी हाँ दोस्तों, आज इनकर से बात कर जाए और जानल जाए कि अब तक के इनकर सफ़र कैसा रहा और फिल्म में जो इनकर सफलता मिलल बाटे, फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट भइल बाटे, उस सफलता पाके कितना खुश भइल बाड़िन। जी रेशमा जी, आपके स्वागत बा प्लैनेट भोजपुरी में। नमस्ते, मैं हूँ रेशमा शेख। हम आपसे ये जानना चाहब कि रउआ कहाँ से बानी और भोजपुरी सिनेमा में कितना से एंट्री भइल आपके। जी मैं MP की इंदौर की रहने वाली हूँ और ये भोजपुरी में जब मेरा पहला फिल्म था प्लेटफॉर्म नंबर 2 मैं आई थी मुंबई, तब मुझे स्क्रिप्ट राहुल जी ने बताया सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म और भोजपुरी मुझे बहुत पसंद था। तो मेरा सपना था कि भोजपुरी में मैं कुछ अपना नाम करूँ, अपनी पहचान बनाऊँ, इसलिए मैं भोजपुरी में आई। अच्छा रेशमा जी, जैसे रहुआ कहानी कि राहुल जी की वजह से आप भोजपुरी सिनेमा में लेना है, तो राहुल जी से मुलाकात कैसे भइल है। जी हम लोग फिल्म के ऑडिशन के लिए गए थे तो वहीं राहुल जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बात किया कि एक शॉर्ट फिल्म था जिसमें हम लोगों ने साथ में मिलकर बनाया, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, हम दोनों की जोड़ी काफ़ी पसंद किया गया। तब भोजपुरी में प्लेटफॉर्म नंबर 2 के निर्माण किया, राहुल जी ने अच्छा स्क्रिप्ट सुनाया तो मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने हाँ किया उसमें। अच्छा राहुल जी के साथ थोड़ा सा हम जाने चाहब डीपली कि जब पहला मुलाकात भइल रहे तो राहुल जी कैसे रहलन फिर, और अब राहुल जी जब फिल्म के हिट भइल तब राहुल जी के अंदर आप का देख रहल बानी, कितना बदलाव बाटे शुरू से अब तक। नहीं राहुल जी जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं है उनमें, काम के प्रति उनके अंदर जो काम के प्रति जो उनका मेहनत और लगन थी वो जो पहले भी था और आज भी है, इसी की सफलता के साथ ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी सफल हुआ है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सफलता के लेके कितना खुश बानी और किनकरा किनकरा साथ है आप इस सफलता के सेलिब्रेट करें चाहब। जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 अच्छा सफल हुआ है, बहुत प्यार दिया दर्शकों ने, बहुत पसंद किया और इस मुकाम पर पहुँचाया है मेरी मम्मी की दुआओं से, जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की, रातों दिन मेरे लिए मेहनत किया। और इस कहानी में जितना भी जो राहुल जी ने जो ये कहानी लिखा था बहुत अच्छा था, जो लोगों को पसंद आया। फिर इसमें सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी है जो को प्रोड्यूसर है, वो भी अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया और डॉक्टर नजमा शेख ने भी अच्छा सपोर्ट किया। इसी के कारण आज मैं जहाँ हूँ, इस मुकाम पर हूँ, इस सभी इन लोगों की वजह से हो, तो इन सभी के साथ मैं अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लैनेट भोजपुरी।